फिर उम्र जिसका है वो डोज देते जाए। किसके अंडे बनाए थे? अच्छा मेरा तो एंड पे पलटना है बिल्कुल जी, मैं पलट दूंगा, बताइएगा मुझे। जल्दी फुल पकानी है उसकी। पका देंगे। ये अंडे किसके हैं? लेकिन किसी के भी। ये ले, दो अंडे आ गए और भाई उठाते जाएं। सनी साइड है तो किसी को भी दे दो, कोई भी सनी साइड वाला खा सकता है। ओके ये दिखाएं, ये मुझे दे दो, उस वाली प्लेट में दे दें जिनके अंडे। रुको, कितने अंडे चाहिए? एक। ये ले। अंडा है बिल्कुल, मैंने बनाया, आप देखें चेक करें। ये दानिश भाई को दे दे। दानिश भाई कभी एक ही है? यस। दोस्त। हाँ जी, क्या ऐसे? ये लो, तुम्हें व्हाइट ब्रेड ही चाहिए ना? प्लेन, उसको प्लेन चाहिए। कितने? प्लेन मतलब टोस्ट, नॉट टोस्टेड। ये नहीं, ये ले, स्लाइस ले इधर है। ये किसके हैं? मैं ये दो ले, थोड़े वेल्डर ले दे, कोई मसला। ये ले, जब जगह हो26 मिनट रह गए। आपको बड़ा वो आ गए। जुनी तुम्हारे दो अंडे बना। हाँ यार, वैसे दो ही रहते, पैन तो जल्दी जल्दी बनते रहते। वो जल रहा है ना उधर। अच्छा अगर निकल आए वरना। और किसके अंडे बने हैं? किसका अंडा? हाथ से पकड़ने वाला था ये बात। ये मैं भी करती हूँ। दिनेश तुम्हें हम दे रहे हैं। आप लो, नो प्रॉब्लम। यार यही साथ साथ खाना पड़ेगा, अगर हम खड़े रहे टाइम खत्म हो जाएगा। एक दो तीन हो गए, अगले अंडे किसके बन रहे हैं? अगले अंडे ये मेरे बना रहे हैं। मैं जुनीत के बना रहा हूँ, उसके बाद अपने और उमर के बना दूंगा। और नेहा के किसने दे दीजिएगा? मुझे हो जाएगा। हटाता हूँ, फिर डालना। ओके अली भाई, नो ब्रेड। किसकी और निकले? आप शुरू करें। नमक नीचे पड़ा होगा। काली मिर्च ये ले लें। ये ले, नहीं ये ले। आप भी इसी तरह अपनी प्लेट बना ये ले। हाँ। यही पे खाना पड़ेगा, वरना हम किचन में ही रहेंगे तो नहीं खा पाएंगे। काली मिर्च चाहिए? सो मच जी, जी काली मिर्च, शुक्रिया। कोई बात नहीं, जैसे भी ये दे दे। किसके अंडे हैं अगले? उमर के हो गए, ये उसके हो गए। अरे ये टूटा हुआ क्यों है? जुनैद ये ब्रेड भी लेके जाना। बस मैं दो दूंगा, बस 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 बस। वो कह रहा दो ही खाऊंगा मैं। कोई एक बंदा जल्दी से नाश्ता कर ले, क्योंकि चाय डालने वाला एक बंदा मुझे चाहिए होगा यहाँ पे। यार एक बंदा चाय के लिए जाइए जल्दी से।
जो डाले पहले वो आ जाए। नहीं नहीं, ये तो बन रही है, जब बुलाऊंगी तो। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तुम करो, मैं जब तक स्टार्ट हो रही है। नेहा अपना करो, जल्दी जल्दी हो गया। नहीं है। बस मैं चूल्हे का वेट कर रही हूँ। अगले अंडे किसके हैं? बना दिए मैंने दो और। अगले अंडे मेरे बना दे। आलू अंडे डाल दिए बस मैंने, उसके बाद रह गए चार, चार रह गए खाली अंडे इसके बाद। कितने और सेकने हैं? स्लाइस भी बना ले। आप फरहान, आप अपनी। जी जी मैं बनाता हूँ, बनाता हूँ। प्लेट देना। हो गई चाय? ये किसका है? बस बना दिया मैंने। चाय निकाल दी हम सब। ब्रो इसकी जल्दी पका दो। सही पका दो इसकी भी। हाँ, इसकी थोड़ी जिसकी पकाओ दोबारा। हो गया मैं तो वही सही है, इसकी थोड़ी जल्दी पका। मैं पका, मैं चाय निकाल दे। मैं निकाल दूँ सबकी। 22 मिनट लेफ्ट। ये लो, हो जाएगा, हो जाएगा गाइस। चाय आ रही है, चाय कमी। उम्र इतनी बहुत है, इससे ज्यादा नहीं पकेगी। हाँ बस सही है, चल जाएगा। वो वाला पेन रेड और किस किस को चाहिए? अभी मुझे और उमर को भी चाहिए। उमर आपके एग्स ये इधर। वो आ गए उधर भी। नेहा आपके एग्स बना रहा हूँ मैं। जी मुझे बताओ तुमने से कितनी जगह खाना है, तुम बेड पे जाने का। हाँ मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। स्पीड में लगा दो, दो तीन पे कोई मसला नहीं है। तुम लगा दो, मैं तुम्हें एक दे रही हूँ अपना वाला, वो भी लगा के दे दो। दे रहा हूँ ब्रेड, दे रहा हूँ। ये लो। मैं दे रहा हूँ इसे। ये ले जाए। कितने साइज पे किसको चाहिए? दो स्लाइस पे लगा 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 दो, सवाल के लगा दो, कुछ भी खा लेंगे। ये वाली देखें, वही भी है टोस्ट ना। हाँ इस पे दो पे लगा दो, लगा दो सब पे लगा देंगे तो अंडा कैसे खाएंगे? गाइस 21 मिनट। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। केयरफुल, ऑयल गरम। आज हमें आइडिया हो जाएगा। चीनी जी। It's okay, leave it. Slice कितने? मसला नहीं बनेगा। Action निकाल। मैं इसलिए भी कह रही हूँ। 300 चम्मच है, 200 चम्मच। यार दो चम्मच है कितने यार? ये इतनी ठीक है, योग और बनानी है। बस बस सही है, जबरदस्त। Sure? हाँ हाँ। अब तो जल्दी लगता है कल वाले डांस चलता रहेगा। 21 मिनट बाकी हैं। कल वाले डांस चलता रहेगा। व्हाइट पार्ट बस पका हुआ है ना? हाँ। थैंक यू। लास्ट राउंड ऑफ एग्स गाइस। यार एक कप मेरा दे दो, चीनी के बगैर। मुझे क्यों लग रहा है ब्रेड में ज्यादा सेकती जा रही हूँ? नहीं नहीं, इस घर में कुछ भी ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ आप बेफिक्र करो। नताशा दो मुझे भी दे दिएगा ये, जरा वेल डन हो जाए, थोड़ी सी जरा जरा डार्क कर दें। कमिंग राइट ओवर सर। कमिंग राइट ओवर सर। पैन ठंडा था बस, बोली में 2 मिनट ज्यादा। मैंने आपके दो आ गए डोंट। ये क्यों निकाला हुआ है नया डब्बा? पता नहीं, सुबह सुबह कोई कुछ भी कर सकता है। काहे काहे, ये लीजिए यार, इससे ज्यादा ब्राउन नहीं हो गए। ये थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं। बस नेहा के एग्स रेडी हैं और वो बस ये बंद कर दीजिए। 1 मिनट बाकी है, बस। किसी को चाहिए ये पैन? नहीं नहीं, पैन नहीं चाहिए, हटा लीजिएगा पैन। यहाँ पैन का काम खत्म हो गया है। चूल्हा भी बंद कर दे यार। जो एक बंदा दानिश भाई, आपने अंडा खा लिया ना? हाँ। यार आप चाय निकाले ना, उमर खाना रोक के खड़ा हुआ है। उमर तुम खाओ, दानिश भाई चाय निकाल देंगे, तुम खाओ। जिसने खा लिया है वो आ जाए, उसको देते हैं रूबा को। ध्यान से दो ये। अच्छा जी, अंडे डन। ये आपके जी अंडे डन। आप भी निकाल दें, मैं करता हूं। चाय निकाल रहा हूँ।
ब्रो मैं तो वो मैगी जैम के लिए दे दी, मेरे पास ब्रेड तो हो गई है। चीनी की डाल दो, एक ही चाय तो लगाओ, ये एक ही में कर दो। नहीं नहीं स्लाइस बहुत फेंक दिए, बहुत फेंक दिए भाई। हैं हैं स्लाइसेस हैं, स्लाइसेस पहले देखिएगा पूछिएगा फिर सेकिएगा भाई। चाय बता दो, चाय बता दो, चाय डाल दिया आपने, चीनी डाल दी उमर, वो वाला कप भी दे दो। उमर जिसमें चम्मच डाला हुआ था वो किसकी थी? उमर की। उसमें चीनी नहीं डाली हुई, चीनी डाल दो डेढ़ चम्मच। वो अरूबा की है। कौन सी? जिसमें चम्मच डाला हुआ था उसमें चीनी डालनी है। डालनी है? पड़ी हुई है, ब्रेड चाहिए? नहीं तो उसके ये साइज सेके पे क्यों नहीं आया? किसको चाय नहीं मिली? आप बैठे, मुझे मिल गई। अली भाई को मिल गई, अरूबा को नहीं मिली, उमर को नहीं मिली। ओके मैं उमर को दे रहा हूँ। उमर को दे, डेढ़ चम्मच डालो। बाकी सब सॉर्टेड है? मुझे एक रॉ पीस देना। ब्रेड का 12 मिनट में सारे अंडे और रोटी बनी है। ये लो। ओके ये लो। चाय निकालनी किसी की? मेरी एक चाय है, शुगर नहीं है उसमें। ओके उमर की, दानिश भाई की, मेरी बर्थडे का गई चन्नी ये नहीं गई। आपने ले ली? ब्रो मैंने ले ली, वो बस तेरी बगैर चीनी के निकाल रहा है। तू जा बैठ नाश्ता करना। ब्रेड लाओ। हाँ मैं कर लिया, बर्तन धो दिए, मैंने भी धो दिए। 17 मिनट ब्रो लेफ्ट। गाइस ये ब्रेड पड़ी है, किसी को चाहिए तो? उमर भाई डेढ़ चम्मच जैम, ये लो इसे वो लगा दिया मैंने। किसको दे दिया? तुम ले लो। नहीं मुझे इस पे लगाना। अच्छा बता नहीं, उठाओ क्या लगाना? जैम लगाना था। थैंक यू जो आ गया यार, ये हटा दूं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। इसको 10 मिनट में ही थे। बहुत भी स्लो रहे तो हमारे लिए आम रूटीन में भी 40 मिनट्स बहुत इनफ थे। वो अगर हम अपने अपने हिसाब से जरा स्लो ये कर ले, इसका वो कर लो, इस चक्कर में हम लेट हो जाते। हाँ रोटी पराठे वाले दिन तो मैं उसे फूटती हूँ, सुबह तेल डालती हूँ और उसको हल्का सा फ्राई किया। वो बासी को कैसे बनाया जाता है? हमारे पूरे थापे यहाँ पे ये इसमें रख रख के, और वो बेसनी रोटी और ये सब चीजें जो मुझे नहीं आती बनानी, ऐसे रोटी नहीं आती बनानी, बेसनी रोटी इनफैक्ट वो बना के चली जाती हैं। और मैं बस सुबह उठी और अब तो मेरी नौकर ने, चलो आज ये काम करेंगे ना, डिनर टाइम पे देखेंगे हमारे पास कितना टाइम है। अगर टाइम बचा जैसे कल पेड़े बनाए तो वैसे ही बना के रख दूंगी। प्लास्टिक नहीं है, ये चिपक जाएगा। नहीं तो कुछ का लगा के रखे ना, नहीं छोटी छोटी थैलियां, वो तो नॉर्मल थैलियां मिला के चलेगी। लेकिन हमारे पास रैप और फॉइल भी अगर खत्म हो गए ना फिर हम फंस जाएंगे। लेकिन हम यूज अभी ट्राई करके देख लेते हैं आज रात में। नहीं ये मसालों की थैलियां आई नहीं, ये भी यूज फ्रीजर में रखेंगे ना, आराम से उतर जाएगा उसमें रोटियां बना। देखते हैं मसाले की थैलियां आई ना, उसपे हाथ लगे हुए जरा सेम भी लगते हैं। वो भी ऐसी कोई चीज नहीं यूज करनी जो हमारे पास प्लास्टिक और फॉइल पेपर है ना, उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन वो अगर एक दफा खत्म हो दोबारा ना आए तो
नहीं, वो तो क्योंकि बजट से बाहर आते हैं तो वो तो आ जाएंगे। श्योर? हाँ हाँ। टिश्यू पेपर? टिश्यू पेपर फॉइल वगैरह ये तो खुद बाहर से आते हैं ना, ये बजट में नहीं इंक्लूड होता। ये सब भी बजट में इंक्लूड होते तो दोस्तों। नहीं नहीं, ये बजट में नहीं है भाई। ये तीन ब्रेड्स हैं, तीन स्लाइसेस हैं इनफैक्ट। खाओ खाओ यार, खाओ सब खाओ। बहुत टाइम दस मिनट में ठंडी हो जाएगी, तीन मिनट में पी लीजिएगा। मैं भी ऐसे करती हूँ, 30 सेकंड में भी पी लेंगे जब ठंडी होगी तो। वैसे ही रात को और उबर इनको बहुत दौड़ा है, स्कूल के दिन याद आ गए। मैं बात करी वो मेरे वो ठाव ठाव के ना हाथ, ये वाला हाथ जो दिनों दिन ऊपर से वो टीचर का था, पीटी वाला जो खड़ा था डंडे लेके गेट पे, और घास जो चुका। कल मेरा तो बकायदा उंगली का ऑपरेशन हुआ था, जान से पूछो डॉक्टर ने सुइयां घुसा घुसा। मैंने क्या कहा था आपको, सुई दे लगी वो जगह था ना, क्यों दोनों उंगली में था वो, 5 तक गई थी क्या पंजाबी में कहते चिल्तर बोल रहे हैं। 5 तक गई थी, 5 किस पे उसी वो जो कलर्स के बजल बना रहे थे ना, उसमें 2-5 तक भी सूज गया। मैंने आपको देखते ही बोल दिया था, बहुत निकाला मैंने, निकाल रही थी इनको देखते ही मैंने कहा था सुई से निकले गए, लकड़ी के पीछे लगे। हाँ पीस नहीं, वो 5 होती है ना, अंदर चली जाती है, थिन होती है। और वो आस जो है ना बहुत इरिटेट करती है आपको, जब तक वो निकलती नहीं है। मेरा दिमाग तो इतना ऑफ हो गया हुआ था, मैं कल आया हूँ लेटा हूँ। अली दिमाग ऑफ था, आपके घर से कोई खेलने नहीं आएगा। आपने भी नहीं सुना ठीक है, मुझे पता तो मुझे पजल बनाने नहीं आते, मैंने बचा पजल खेले तीन स्लाइसेस और अभी वहाँ भी स्लाइसेस नजर आ रहे हैं मुझे, वो पड़े हुए पूरी आधी ब्रेड, वो तो कह आधी बचती है तो लंच में हैंडल कर लेंगे, जहाँ रोटियाँ कम पड़ी होंगी। यार वैसे कल ब्रेकफास्ट में भी रख सकते हैं, मगर बचा के रखें। हाँ रोक दे यार, कल के पराठे कम पड़ेंगे। हाँ पराठे हाँ दूर की। हाँ यार आधी ब्रेड पड़ी हुई है पहले भी, एक ब्रेड पहले की भी पड़ी है, बीस की हुई है ना बस, सही है फिर। हाँ ये है फुल ब्रेड, कल ब्रेड कल दोबारा ब्रेड ही खा लो, कल तो ब्रेड मैं दूध ले लेता हूँ शाम में। याशी ने नहीं नहीं वही शाम में, सारा दिन खाने के अलावा कोई हमें कहा भी नहीं है। बर्तन वापस आएंगे बर्तनों पे, आज वैक्यूम कर रही हूँ ना, वैक्यूम कर रही हूँ ना, सुबह तो सही होगी ना, लेकिन वैक्यूम कर रही है। मैं किचन में खाने में हेल्प कर दूंगी, जो भी चाहिए रोटी में इधर उधर कुछ भी। चलो लेकिन वैक्यूम कर देना, क्योंकि मेरे तो लिए बहुत आसान काम है वो वाला बर्तन धोना। It's like yes. 5-10 minutes and I'm done. ये काम मुश्किल है वैक्यूम वाला। हाँ तो सही है ब्रो। I like vacuum. Force. Enjoy the relief. Yes.
चाय का रिफिल ले ले। ये जगह जो है ना हमारी ये जगह जितनी चाय का रिफिल तो है और ज्यादा बचता है ना। नहीं हमने एक में किया, एक में कुछ चार स्लाइसेस रह गए थे, एक में वो आपने एक में कर दिया। हाँ तो ये मिला के समझे कि एक पूरी हो जाती है, वो भी हाफ है तो हाफ है, एक पूरी हो गई। चाय मेरे दो गुड़ इसके साथ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बर्तन नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे। ओके यहाँ पे सिर्फ एक वो पड़ा हुआ है आटे वाला, और ये साफ प्लेट है, ये साफ प्लेट है, ये प्लेट में आके ये मैं आके दूँ। हाँ प्लीज सब अपने अपने धो ले, नाश्ता करें फौरन से। आप बबुआ हमारा नाश्ते का टाइम चल रहा है, हमें तब तक तो सुकून से बैठ के थोड़ा देर चाय तो एंजॉय करें। हाँ एंजॉय करें आप लोग। तीन मिनट दो मिनट पहले भी उठे, एक मिनट पहले भी उठेंगे तो सब धो लेंगे। बर्तन धोने का मसला नहीं, नाश्ता आपने खत्म कर दिया। हाँ 30 मिनट में नाश्ता बना के खाना था, कामयाब हो गए हैं। I just took it। हाँ क्यों नहीं, टी रिफिल कर ले अली भाई। उमर ओह माय गॉड, टी रिफिल कर ले। देव फॉर श्योर, मोस्ट वेलकम। और उबा तुम्हें चाहिए एक्स्ट्रा टी? नो नो। नेहा नताशा कितने मिनट से? 7 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट पहले रिफिल के लिए। जरा मैं चाय रिफिल के लिए 2 मिनट पहले तो पी लूंगा। चाय तो नहीं आती उसमें, क्या हो गया तो पानी भी आ जाएगा। जब बीच में दोपहर की चाय बननी है तो क्या वो काउंट होगी, उसका टाइमर बचेगा? नहीं नाश्ते चाय देख ले इस्तेमाल है। उसको देखो जरा, कह रही आइसक्रीम खा लूं। हमारा वैसे कोई इलाज नहीं है तो ले आओ। हम लंच भी खा लेंगे भाई, एक पैकेट खत्म हो गया, पैकेट बचा हुआ यार। पैकेट बचा हमारे कल की नहीं खाई ना मैंने, मैंने दो चम्मच लिया उस वाले में, दो चम्मच लिया एक में पड़ी हुई ना। नहीं दोनों बड़ी में, मेरी उसकी बड़ी है। लंच के लिए सब कटा हुआ है, टमाटर प्याज सब कटा हुआ है, सिर्फ आलू के पीसेस करने हैं और बस खाना बनाना शुरू करना है। लास्ट डे तक है जी जी, यही ड्रिल है रोजाना, तो यूज्ड टू हो जाए। चाय तो हम पी सकते हैं ना। हेलो 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 सर, एक छोटा सा सवाल है, ब्रेकफास्ट सबका हो गया, हम लोग चाय तो पी सकते हैं ना? यस और नो? सर बता दें यस और नो। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मजा है कि 1:50 खत्म हो, 10:09 बजे लंच नहीं लग रही है पूरी, यही रह गया टाइम चाहिए भाई, वरना कहाँ डालेंगे हम लोग, तो फौरन लंच कहाँ हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं हमें हमने कर लिया भाई अपना टाइम तो सारा काम।
I think we have got more than 30 pieces. We have 14 pieces here. ये लगता है कि 30 minutes आप breakfast के लिए एक घंटा तो बैठ के सुकून से खाने खाने पता ही कहाँ चलता है कहीं जाके एहसास होगा ये हाँ कहीं जाके एहसास होगा जल्दी करो थर्टी मिनट ये वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपको घर की दूसरी चीजें की जो इम्पोर्टेंस है ना वो इतना सिखा देगा ना सही बात है आप बैठे मेरे टाइम की कोई वो नहीं है सुबह से नाश्ता कर रहे हैं ओ हो ये हम बताएंगे हमने भी एक जगह ट्रेनिंग की है भाई मजाक नहीं जिंदगी ऐसे नहीं गुजारिया चाय तो पी सकते ब्रेकफास्ट थोड़ी है वो अलग चाय 23 पीसेस बोले ना तुम 23 पीसेस तीन आ जाएंगे सबको आई विल टेक टू तो कोई चार लेना चाहिए आपके दो आ जाएंगे नहीं आपके दो बाकी सबके तीन हां 23 पूरे यार ब्रेकफास्ट 3 6 9 12 18 21 ये पाउडर किसके पास था वो लेके अपने साथ रानी उसके पास था छिंडा नहीं आया था चुप अंडे का पटाखे बजा रहा था वो तो पड़ा होगा लेकिन पता नहीं वो उस पे काम करेगा कि नहीं बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सालन जब तक पक रहा होगा ना आप लोगों को रोटियां अलग वो वाले एक बेलेगी वो बेलेगी खजान वो बनाएगा मैं आटा कितने तीन बक्का बोला आपने यस सर तीन बक्का का है ना तीन बक्का और कल सुबह हमारा बच जाएगा ये होता है कि वो पूरा तो तीसरे वक्त भी उस जैसे उस दिन नहीं पूरा हुआ था ये ब्रेड हमारी कल काम आ जाएगी और एक ब्रेड हमारी रहती है एक ब्रेड हमारी रहती है तो यानी कि हम परसों तरसों भी ब्रेड चला सकते हैं हमें पराठों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये ब्रेड हमारी एक और ब्रेड आ रहा नहीं है तो कल छोड़ दो वाली चला देंगे पराठों के चक्कर में लंबा हो जाता है पराठों के बाद ये वाली चला देंगे बाय बाय जो नई वाली आएगी वो चला देंगे दोपहर में क्योंकि हमारे पास 15 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं तो ये होगा कि मैं सालन बना रही होंगी एक बंदा रोटियां अभी वो नेहा रोटियां बेलेगी ठीक है लंच में और लंच में ये साथ में खड़ा होके सेक देगा ये गूंदरा होगा आटा आप सालन वो भी एक वो भी एक टास्क होगा चीज सही होगी आई विल प्रोवाइड क्योंकि छोटे वाले चूल्हे पे आपको रोटियां बनानी होंगी आप सवालात का जवाब देने के हम यार ये देखचा दो दिन से आखिर गंदा ही क्यों रखा है तीन लोग डिफरेंट आए हैं किसी एक ने भी देखचे को हाथ नहीं लगाया धोने के लिए आई विल वॉश इट यार कमाल बाकी ड्यूटीज थी किसी ने इसको देखा ही नहीं नहीं यहीं पे रखा हुआ है मैंने दो दिन हो गए इसको यहाँ रखे डिनर वाला कहता है ये लंच वाला कहता है डिनर वाले का लेकिन आई विल ये देखिए ये अब ट्रे गलत पड़ी हुई है और इस पे साबुन लगेगा खराब होगा मैं निकाल देता हूँ ये किसका यहाँ पे चाय का कप रखा हुआ है जिसने नहीं धोया ये देखिए पहले से पड़ा हुआ है सब बाकी सबके वहाँ पे पड़े हुए थे ये देखिए ये मेरे ख्याल में नेहा आटा गूंथती है तो वो ये यूज करती है और उसने यही छोड़ दिया नेहा के आटे वाले भी वहाँ पे पड़े हुए हैं देखना आटा खुला है इसका छोड़ के चली गई है इसका क्या करेंगे कैसे रखते हैं ये नेहा ने किया है नहीं कैसे रखते हैं ये तो वहाँ रख दें वहाँ नीचे उसे कहीं जगह जगह चीजें तो ना छोड़ा करे मैं भी अभी करता हूँ उसका बंदोबस्त
और जुनेद ये जो पानी वाला कप है ना, ये भी नेहा का है, ये वाला कप जो उसने आटा अपना गूंदा है ना अभी, क्योंकि मुझे पता है ना वो अपना कप छोड़ जाती है, पानी कप में लेती है वो। मैंने अपनी चाय वाला कप और प्लेट दो दी है। अरुबा एंड नेहा एंड दिस इज मी आई विल दिस ये जो रात में सांस ले रहा हूं मैं गाइस भाई, लेकिन जो रात में आपका दिमाग चलता है ना, ओए होए 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 मेरी पसलियों में दर्द हो गया। कल से चलने लगे, इनका मुंह बंद कर दे। हम क्या कह रहे थे दानिश भाई, ये खाबों के लिए रखे, हमारी अलग सी बैठक। यार कैसी बातें कर रही हो नताशा, तुम चाह रही हो 25 का 25 कट जाए। ये वाली जगह क्रेजी, ऐसा दर्द। रानिश हमें जुगतों से पुरजोश कर दे इसका तो पूरा चेहरा चल रहा होता है। अगर मैं जिम से ना निकलता, ये टैगलाइन है, अगर मैं जिम से ना निकलता, ये तो लाइन होनी चाहिए क्या? मैंने देखा हैशटैग अगर मैं जिम से ना निकलता, नहीं दोस्तों, अगर मैं जिम से ना निकलता तो मेरा आज सुख कुछ और होता, दुख कुछ और। मैंने अली भाई को शहजाद दर्द बॉडी वाला बॉडी मैंने बोला अली भाई कहाँ है, अली भाई को तो बुलाओ तफसील में नहीं जाएंगे। रानिश तुम्हारे लिए नई जुगतों का भरमार बनाना पड़ेगा। रानिश इस टाइम पे ना वो जोबन पे, वो जोबन पे, इसीलिए रात को रूपा के आगे आगे पाक रहे। हाँ यार ख्वाब में रूपा मेरे पीछे भागे वेपन लेके, वो कह रही है सॉरी रानिश भाई आपको जाना ही होगा, अगर आपको नहीं मारूंगी तो मुझे टास्क मिला वो मुझे मार दे। लेकिन जो शीशी कल रात में नींद में बोला है ना, मैं नहीं छोड़ूंगा इस तरह करके कोई दो तीन अच्छा मेरे तो बराबर में तो मुझे तो फौरन आई क्लियर। अरे पहली रात जब ये बोला ना प्रॉपर और बोलता ही जा रहा था तो मैंने इसको हिलाया, इसका डौला भी नहीं हिला मुझसे, मैंने दो तीन दफा ये यूं करके फिर सो गया। अब मुझे तब तक नहीं पता था कि तू बोल रहा है, मैंने कहा पता नहीं कि कहां से आवाजें आ रही हैं। अगले दिन से पता चला ये आपके साथ ये हुआ, रेडिस में ये हुआ था, मुझे लगा ये उठ के बैठ गया है, बातें कर रहा है, तो मैंने देखा भाई इसने लेटा है। अरे बहुत थके हुए होते हैं यार ड्यूटीज, थके हुए तो बंदा बोले ही, वजीर वैसे ही थका हुआ होता है बेटे। वजारत में आने के बाद से ये जो मेरी आवाज चल रही है ना, जुबान चल रही है सोते वक्त, कल हमें कुछ सीरियस गुफ्तगू हुई तो लेकिन जिसने स्टार्ट लिया ना मेरी सीरियस एक्सप्रेशन में हंसी निकलने लगी। मिसाल ही ऐसी दी बच्चे ने, मैंने होंठ दांतों में ही दबा डाले। Right. It was a good moment. What a moment. मैं और मुझे दानिश भाई को होना चाहिए कुछ, क्यों देखा? नहीं ब्रो वो ऐसा मोमेंट था कि वो ऐसे ही होना चाहिए, हम देखते चुके हैं वो, तुम लोग जाके देखना ब्रो फिनाले के बाद एपिसोड्स। राह पे ताले लगे रहते गए, सबके पीछे डर लगा ना ऑब्वियसली। मेरी बात सुनिए, अरुबा ने बाथरूम में जाके चाय पी है, दिस इज अलाउड? इन लोगों ने मेरा आखिरी वाला कप छुड़वा दिया यार, मैं बाथरूम भी नहीं पी रही थी, मैं तो रोज, इनमें से किसी ने मुझे चाय नहीं पीनी थी तुम्हें पता, जैसे मेरी आदत है ठीक है, और आप लोग टाइम खत्म हुआ मुझसे चाय लेने, उसने ले लिया आके मेरे हाथ से, मैंने चाय नहीं पी, कब से खत्म हो गया वॉशरूम में, कब से मुझसे ले लो चाय, मैं चली जाऊंगी 10 मिनट पहले, कल चली जाऊंगी, मुझे एक आदत है, मैं क्या करूं।
मेकअप वाला सिस्टम बड़ा खराब है बाथरूम में। मैं शिकायतें करती हूँ, अच्छी नहीं लगूंगी उसका सारा मेकअप बाथरूम में होता है और वो पूरा दिन करती है। और अनिशा मिलके एक दूसरे के पीछे भागे बिना पिस्तौल के। आगे सूटकेस रख के दरवाजा लड़कों के बाथरूम का ना खोला करे, मैंने ये बोला। अंदर जब बहुत हब्स होती है ना तो थोड़ी क्रॉस वेंटिलेशन के, वो वॉशरूम नहीं है वो बाहर का कॉरिडोर। मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन इतनी अजीब सी लुक आती है ना जब गुजरो आप बाथरूम में, फिर आगे लड़के खड़े भी होते हैं अक्सर, यू नो वो वाली बात। मैं खुद देखूंगा अगर कोई ना खोले। बड़ी आपकी मेहरबानी है, शुक्रिया। शाबाश नेहू, तो शाबाश ही कह रहा हूं। थैंक यू। हुस्ने सलूक देख के मेरी आंखें भर रही हैं ब्रो। और अनिश देना माइक के ऊपर तो भी लगा हुआ जो ये जाली सी होती है, क्या होता है एक बेवकूफ है और एक बहुत सा। दिमाग लगाया, भाग दौड़ की सबने अफरा तफरी में नाश्ता किया, कर लिया ना। शिकायतें लगाती हुई अच्छी भी लगूंगी तो एक साथ लाई भी जानी लाई भी। यार सेलिंग तो अभी तक है। किसी को तो छोड़ दो, सिर्फ लड़कों से बना के रखी हुई है बस। कोई एक लड़की इसके साथ है, मैं तो पहला मौका मिले तो मैं कहूँगी इसको एलिमिनेट करें। उससे पूछो वो भी यही बोलेगी, जो चले गए वो भी यही बोलेंगे। आपने सिर्फ वॉइस को अपने उसमें रखा हुआ है, वो भी सोचते कि आप उसमें हांडी में चम्मच चला रही हैं। कटा कटाया सब कुछ मिल जाना और जाके मसाले डाल देना इज वेरी इजी, ठीक है। वो चूल्हा तक भी साफ करके जा रही थी, इसमें मैंने बोलते कुलमिका जुनेद ये तो एटलीस्ट करवाओ ना, जो ये काम है ये तो आपको करवाना चाहिए, क्योंकि हर कोई करवा रहा है जो खाना बनाता है उसके लिए बता रही है कि वो शब्द साफ करके जाएगा यहाँ से, ठीक है। और रोटी बनाई तो आटा ये पड़ा खुश खुश किए, सालन बनाया तो ना बर्तन कुछ, और खाना क्या करना है अपने आपको कटना अपने खाना। आलू आपको कटे हुए मिलेंगे, टमाटर कटे हुए मिलेंगे, प्याज कटे हुए मिलेंगे, चावल चने मिलेंगे, दाल चने मिलेगी, आटा गूंदा हुआ मिलेगा। समझ आ रही है, अकल है ना तुम्हारे पास भी, ठीक है। सिर्फ आपने यूँ करना है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू कि नताशा सिंह, मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है। मैं खाना बना रही हूँ,
याद करो वक्त जब इस तरीके में तो खाना बनाना आते ही नहीं है, मुझे रोटी बनानी आती नहीं है। ये कब बोला? एक टाइम पे बोला था कि चीज़ ज़रा था, स्टार्टिंग में ही बोल गया था कि मैं मुझे तो आते ही नहीं, मुझे तो आते ही नहीं है, मैंने तो कभी बनाई नहीं रोटी। तो उस पर जब इसने नाते बनाई थी तो मिशन ने बोला था कि मैं मान नहीं सकती इसको आटा भी बना आता हो, ठीक है बोल, एंड आई प्रॉमिस तो मुझसे बनवा लो, मैंने कभी जिंदगी में नहीं बनाई, मुझे नहीं आती। और देखो मुझे ना आती, मुझे नहीं आती। इसने ना बस हर किसी में सिर्फ निकालने हैं कि बस ये वही ना किन किन चीज़ों में जाके शी इज नॉट ट्रस्ट फॉर। उसने कहा, मैंने कहा यार बात ये नहीं है, मैंने कहा मैं तो देखो मेरी तो, मैंने कहा मैं तो दोनों से ही थोड़ा वो ही रखूँगी, ये बाकी है तो यार मैं आज आई देखो उससे मुझसे बात क्लियर की कि देखो इससे इस तरह है, यूँ है वो है, मैंने ये बोला, मैंने कहा देखो ना यार मेरा मैंने वो मेरे दोस्त थे ठीक है जो मैंने सुना था ठीक है वो ठीक है, मुझे नहीं बोलना चाहिए राजा के साथ बैठ कर एक नॉर्मल बातचीत करना है, ये बोल देना कि ये काम हो गया वो काम हो गया, इसके अलावा इससे ज़्यादा कोई बात की और ना कोई भी बात नहीं है, मैं शुरू से ही नहीं है ना उसके साथ। और वो अगर बोल के गई तो वो इस वजह से भी बोल के गई क्योंकि बीच में एक टाइम मिशन और नेहा की बहुत थी एक अच्छी, जिसमें वो मिशन उसकी बार बार साइड में लेती थी, मैंने दिया वो बेचारी रास्ता इस तरह होगा। ऐसा भी ऐसा पिछली दफा पांच बंदे जो थे वो खतरे के घर पर, अभी हम कितने लोग हैं खतरे के घर में? दो जाएंगे तीन रुकेंगे। टॉप सिक्स होता है या टॉप फाइव होता है कुछ नहीं पता यार, स्टेज पे तो टॉप फोर गए थे पिछली दफा, पता नहीं। देखो बेहतर तो अल्लाह ही जानता है सबसे, हम सबको अपनी अपनी जर्नी का पता है, सबने बहुत मेहनत की है, सबने की है, तो अल्लाह मालिक है यार। हम तो अपनी तरफ से देखो, हम कोई बचपन से ये चीज़ें सीखते थोड़ी आए, सबके लिए किसी के लिए कोई इम्तिहान डिफिकल्ट होता है, किसी के लिए कोई होता है। थकन से स्ट्रेस एंड थकन बीमार जे, और मिशेल को दिखाना चाहती थी, आपने उसको अपना आड़ी बना लिया एक तरीके से। उसने मुझे ये भी बताया कि नताशा बहुत रोई, उसने बाहर आके सबको बोला, फिर वो मुझे गालियाँ दे रही थी और पता नहीं क्या क्या और वट एवर, और सब कहती मैं भी उसके रोने, क्योंकि आई एम इमोशनल पर्सन, मैं उसके रोने पे आ गई, मैंने उसको ठीक है, और हम सब ने उसको वोट दिया ठीक है, और मिशेल को वोट नहीं दिया, तो मैं और दानिश भाई उसकी बातों में आ गए, क्योंकि उसने उमर को तो भी बातों में लिया हुआ था, उसने बाकी अली भाई भी उसकी बातों में थे, और उसने रोकर सबको ये बोला, मैंने कहा नेहा मैं ये स्वान के नीचे बैठी हूँ और उस दिन मैं यहीं बैठी थी, मैंने उसको गालियाँ नहीं दी, मैं गालियाँ नहीं दी थी, सिर्फ एक बेड एंड देट वॉज नॉट अ गाली ठीक है, वो यूज़ किया था, इसके अलावा मैंने इसे कुछ भी नहीं बोला। ये आई और आकर ठीक है, इसने इसने ठीक है, हम ये मैं और मिश्री की बात करती है ऐसी यही हुआ है ठीक है, इतनी देर में ये आ गई ठीक है, तो इसने कहा कि अच्छा कि है ही, तो इसने बोला तो मुझे गालियाँ दे रही हूँ, दो 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 मैं क्या रख गा रही हूँ, दो गालियाँ दो, दो दो मैं तुम्हें गालियाँ, तुम गालियों को भी काबिल नहीं मेरी तरफ से, तो यकीन था कि ये बात मैंने उमर से जिम में की है,
और बजर भी लगकर आगे की सोचते और मैं पीछे इतने इतने दिन आप अगर एक जगह पे बंद रहे हैं आई नो क्या आपको लगता है exactly कि आप आपकी याददाश्त काम करेगी यार देखो दानिश भाई देख के टूट जाएगा गिर जाएगा रूम वाली कोई मेमोरी नहीं ये वही बात है ना जो लोग हाँ याद ही नहीं है जो लोग कि मैंने वहाँ भी कुछ सीरियस गुफ्तगु की वो तो जो लोग कैद में रहते हैं वो कैसे होते हैं वो चुप करके बस कहते हैं हाँ खाना दे दो खाना दे दो और हम अभी देखो जो कैद में रहते हैं ना उनको दुखी रहने का या उनको खामोश रहने का एक हक होता है हम स्पिन बड़ी भी थी रहे तो वो भी गुजारा नहीं है ना क्योंकि हम वो कहती हैं जो लाइव जा रहे होते हैं हम अपने आपको कोशिश करते हैं कि खुश रखें मूवीज आई थी मरना है एक ने लेकिन सब पे पैसे लगे हुए हैं सब लाइव जा रहे हैं तो वो हम तो हॉलीवुड मूवी के कैरेक्टर्स हैं हाँ तो देखिए ना अगर आप अब मैं अगर अंदाजा लगाऊं जो कैदी वो क्यों इतने खामोश हो जाते हैं एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं तुम्हारे कहने का मकसद ये है रात में बर्तन दानिश भाई जो नौकर रखे हैं ना वो आके धोते हैं तीन लगाने में कम माहिर हैं वैसे आप तुम्हारे कहने का वो जो नौकर आप रखे ना वो बुलवा लीजिएगा रात में बेहतरी धोंगी अब दानिश भाई ने बोला है ना कि अपनी नहीं धोती तो तुम्हारी क्या धोएगी अब जो आपने रात में नौकर रखे ना जो आके किचन साफ कर अब आप उनको बुला लीजिएगा नहीं नहीं आप मैं बिल्कुल आपकी बात वो हमेशा शुरू से एक चीज बोल रहा है टास्क में जाके यार नहीं नहीं मैं बता रही